देखती हूँ आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। आप कैसे आप लोग सुनाइए, खैरियत से हैं? आप सुनाइए। ठीक ठाक। मैं वैसे भी फ्रेश लग रही हैं, लेकिन सर आपसे ज्यादा फ्रेश नहीं। नहीं सर, इन्होंने रिश्ता देखना है, उन्होंने कह रहे मैं तुम्हें डड्डू जंप ला के दिखावा। इनका ना रिश्ता देखने के लिए आए, तो वो जो आंटी आई कहने की बेटे कहाँ रहते हो, कहंदा नहीं आंटी जी आजकल तो मैं मुसीबतों में ही रहता हूँ। तुहाडी कोई शर्त है ते दस दियो। अगो कहंदे जी मैनू अपने विआह तो पैसे लुटन तो कोई ना रोके। वैसे आप जैसे दूल्हे जो होते हैं ना, जिवें को ऐं करके पैसे सुटे ना, एक नोट के उत्ते पैर रख के खलोते रहे। डीजे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। बीबीए पढ़ने के बाद एक्टिंग शुरू कर दी और अब थिएटर, फिल्म और टेलीविजन हर जगह ही आपको एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। जनाब उमर आलम। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हैं। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद अब कर रही हैं एक्टिंग मोहतरमा यशमा गिल। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े फ्रेश हैं सर। उमर भाई एक शेर में लाया था, इतना जबरदस्त आपको मजा। वसी शाह साहब का शेर है। बिल्कुल सर। लेकिन है यशमा जी के। आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। अब उम्र न मौसम न वो रस्ते के वो पलटे, इस दिल की मगर खाम ख्याली नहीं जाता। जब आपने कहा कि वसी शाह साहब का है, तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरे लिए नहीं हो सकता। मुझे पानी पीना है, कहाँ पड़ा गिलास है। अरे वाह। मुझे कील खींचना है, कहाँ रखा पलास है। मैंने बड़ी बड़ी बकरियां देखी हैं ठाकुर, मगर खुदा की कसम आपकी एक ही क्लास है। जी उमर साहब क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आप आपको शायरी से दिलचस्पी है? सर मुझे शौक है हल्की फुल्की इस तरह की शायरी, जिस तरह की ये करते हैं, मुश्किल वाली, गाड़ी वाली नहीं। अच्छा, हल्की हल्की फुल्की में क्या आप पसंद करते हैं? जो समझ याद है। आखिरी आपको कौन सी याद है? मुझे आखिरी जो याद है, एक तुम और ये नखरे तुम्हारे, एक तुम और ये नखरे तुम्हारे, एक हम के सदके तुम्हारे। यशमा ने पूछा आपने किसको बोला था? उमर मैं बता दूं आपने अभी उधर भी क्या बोला था जब आपकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही थी। बताएं। उमर से ना पूछे जा रहे थे कि आपकी कोई ऐसी बात जो हमें नहीं पता, तो मैं ऐसी मजाक करने लगी। मैंने कहा उमर की एक छुपके शादी हुई हुई है और उसमें से दो बच्चे, तो कहते नहीं नहीं लेकिन हाँ मैं कमिटेड हूँ। उन्होंने पूछा कि आप सिंगल हैं या कमिटेड। मैंने कहा नहीं मैं सिंगल नहीं हूं लेकिन कमिटेड हूं मैं। देखिए तो ऐसे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हां मैं कमिटेड। कहां मैं माशाल्लाह जिस तरह की शेरवानी पहनी आज रिश्ता टूट जाएगा। अल्लाह रहम करे। डिजाइनर शेरवानी है, हो जाएगा इसके बाद। सर इस शेरवानी के साथ इतने पैसे बचेंगे। किस तरह? सर अपने बैंड लाएंगे ना। मगर आपसे भी उन्होंने कोई ऐसी बात पूछी कि जो लोगों को पता ना हो और आप बताना चाहते? मैंने कहा मेरा तो सभी मैं खुद ही बता देती हूं। आखिरी बार आपने क्या बताया था ऐसा? गुड वन, गुड वन। नहीं वो कुछ किस्से होते हैं जो मैं अब, लेकिन मेरे स्पीड ब्रेकर जो है वापस एक्टिव हो गए। पहले मेरे स्पीड ब्रेकर से अब फिलहाल कुछ नहीं है, जो कुछ है सब सबको पता है। जैसा कि लास्ट क्या पता चला इन सबको? ताकि बता के हमारा दिल तो तोड़े। नहीं उस मामले में कुछ नहीं है। तो किस मामले में? आप दुआ करें। लास्ट तो मैं यही बताई गई थी शो पे कि मैं मुझसे एक मैरिज ब्यूरो ने 8 लाख रुपए मांगे शादी कराने के। हम लोग शूट पे थे और कोई बात हो रही थी रिश्तों की। मैंने कहा यार जो हमारी 10 से लेकर रात 10 बजे तक की रूटीन है ना, उसमें कोई रिश्ता तो मिलने नहीं वाला, तो चलो एक काम करती हूँ मैं मैरिज ब्यूरो पे ही कॉन्टैक्ट कर लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला पहले तो आप वीडियो कॉल पे आए दिखाने के लिए आप यशमा ही है। मैंने कहा हाँ भी स्कैम नहीं हो रहा। मैंने कहा चलो हो सकता है सेलिब्रिटी डिस्काउंट। उन्होंने बोला कि अच्छा 4 लाख रुपए ना हमारी होती है अप फ्रंट पेमेंट और फिर 4 लाख रिश्ता होने के बाद। ठीक है हाँ, वो जो बात असूल 4 लाख दे दी हो इसने। नहीं मैंने नहीं दिया, मैंने कहा मैं ऐसी सही। मगर सूजी क्या थी वैसे? यार मैं उम्र हो गई है। उम्र ये बताएं मुझे कि ये जो कह रही हैं उम्र हो गई है, आप तो यकीनन इस किस्म की सोच विचार की वजह से नहीं गए उस तरफ जहां आप जा रहे हैं। बिल्कुल मुझे अम्मा अब्बा का बहुत प्रेशर है। प्रेशर इन द सेंस कि वो कह रहे हैं करवा लो। मेरे अब्बा 2019 में वापस आए थे दुबई से।
ठीक है रिटायर होके ना, तो उन्होंने पूछा अभी क्या प्लान है तुम्हारा शादी का, मैंने कहा 2 साल बाद करेंगे, उन्होंने कहा सर रिटायर आप हो प्लान मेरा पूछ लो, अगर अब्बा ने कहा 2019 में आके कि अब शादी का क्या प्लान है, तो मैंने कहा 2 साल बाद करूंगा, ठीक है, फिर उन्होंने 2 साल बाद पूछा क्या प्लान है, मैंने कहा 2 साल बाद करूंगा, अब फिर दोबारा उसको पूछ रहे हैं तो उनका क्या प्लान है, मैंने कहा 2 साल बाद, अब वो कह रहे हैं अब अगर 2 साल बाद हुए ना बेटा तो हम पकड़ के करवा देंगे तुम्हारी किसी और, अपनी वाली को नहीं अपने घर वालों को, बेसिकली जो है वो कह रहा था कि अभी इतनी जल्दी भी क्या, वो तो 19 में करने के पीछे पड़े हुए थे। जशवा एक तरफ ये है जिनके पीछे पड़े हुए घर वाले, आपको तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं हुआ? नहीं घर वालों को प्रेशर तो है बट कोई है नहीं तो बेसिकली रेशमा के लिए वो है ना जिसको आजादी दे दिया कि बेटा आपको पसंद है तो आप कर लो शादी, अब उसको टेंशन नहीं होगा, पसंद ही नहीं आ रहा बात है कि कैसे हो सकता है, आप कितने फॉलोवर हैं आपके, कोई लाखों में जो फॉलोवर्स हैं कोई एक भी नहीं, इट्स आवर रूटीन ना, जो टाइमिंग ही ऐसी है कि वो आप बोले ना जरा इसके लिए अपील डालेंगे 8 बजे हमें शूट से फ्री कर दिया, मैं खुद नहीं हो रहा मैं आप लोगों के करवाऊंगा, सिर्फ एक रूटीन की वजह से इतने इशू हो रहे हैं आपको, सो जाती हूं ना फिर, लेकिन आपकी शादी हो सकती है अगर आप चाहती हैं तो, रिश्ता भी माशाल्लाह वेल सेटल्ड, एक लड़का है इधर यंग है अभी मैटर क्लियर हुआ उसका, अपने तायाबू के भतीजे का कोट भी पहन के आया आज, मैं अपनी गल कर रहा हूं पता है कर लगे तो देखे तो सही, अगर रिश्ता तो है यार आप वहां मैं यहां, उम्र के हिसाब ना गल कर रहे मैच ही नहीं है, हां यू ना लेके सॉरी यशमा बड़े जंग लड़न वाले वार रखे जंग लड़ने का तो पता नहीं, मगर वैसे कैफी खलील से आजकल आप बहुत मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कैफी खलील का एक ऐसा वाकया हुआ मेरे साथ, एयरपोर्ट पे मेरी फ़्लाइट डिले हो गई, अब मैंने उनको कॉल की कि यार जो प्रोडक्शन वाले थे कि वो हो गया, उन्होंने कहा आपकी फ़्लाइट तो हमने कैंसिल ही करवा दी क्योंकि 2 लोग आ रहे थे तो एक ने कैंसिल की तो हमारे एजेंट ने दोनों की कर दी, मैंने कहा वाह कमाल किया आपने, कहते जाकर बात उनसे अभी फ़ौरन से टिकट खरीद लें, मैं गया वहाँ पे काउंटर पे जाकर उनमें कह रहा हूँ टिकट दे दे, एक जो खातून बैठी थी वो कहती है नहीं नहीं सर सॉरी कुछ भी नहीं होता कुछ, इतनी देर में दूसरी वाली जो फ्री हुई है वो उन्होंने देखे अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा शुक्र है पहचान लिया इन्होंने जो है बेहतर हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने सारी टिकट का प्रोसेस वोसेस किया, तो फिर उसके बाद जो खातून थी एक वो कहती हैं मुझे आप अपना नाम बताइएगा, आई डी कार्ड दिया था उसके ऊपर उमर इकबाल लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि दूसरी वाली जो जिन्होंने पहचाना था ना उन्होंने थोड़ा सा ऐसे देखे, मैंने कहा हाँ नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं हमारे आई डी कार्ड के स्टेज नेम, कहते ठीक है, फिर उसके बाद वो एक और आए पास में आ कहते हैं तस्वीर लेनी है आपके साथ, तस्वीर ले गए, आपका नाम क्या है, वैसे अंदर से वो बोली अरे आपको नहीं पता इनका इतना मशहूर गाना इनका कहानी सुनो, मुझे कितनी पार्टीज पे इस तरह के लोग मिले हैं, बाहर गाने चल रहे हैं और वो अंदर कह रहे हैं कि मतलब वो सिंगर गा रही हैं वही कहानी सुनो गा रही हैं, और मुझे लोग अरे तुम्हारे वाला गाना गा रहे हैं बाहर जाओ जाके गाओ देखो क्या कर रहे हैं तुम्हारे गाने, अगर आपकी मुलाकात है वैसे कैफी खलील से? जी जी बहुत अच्छी मुलाकात है कैफी, अच्छा बहुत अच्छी मुलाकात, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा कैफी जी, अरे जबरदस्त, फिर तो ये मुशाबत सही बात पे, बिल्कुल वो हमने साथ में रैंप वॉक की थी उनके हुमायूं आलमगीर के लिए ना BCW में, तो वहाँ पे मेरी उससे दोस्ती हुई थी और वहाँ पे हमारी जो 2-4 तस्वीरें आई तो सब ये कह रहे थे भाई लग रहे हैं आप तो बिल्कुल भाई लग रहे हैं, अब जिन्होंने नहीं उसको करीब से देखा वो फिर मुझे ही समझ लेते हैं, वो आपको ही समझ लेते, तो आपने गाना शाना याद किया है थोड़ा सा? नहीं नहीं अल्लाह माफ करे मैं गाना नहीं गाता, नहीं मगर थोड़े से बंदा वैसे पढ़ देता है कि कहानी सुनो जुबानी सुनो, वैसे यशमा आप बड़े गौर सब की तरफ देखने लगता है, आपको यकीन नहीं आ रहा कि वो गाना नहीं गाते? नहीं नहीं मैं इंतजार कर रही हूं, मुझे पसंद है वो गाना, मैं वो गाना नहीं गाता लेकिन जब वो मुझे कहते हैं ना आप कौन सा वाला सुनाते हैं? नहीं सुनाता सर मेरी एक तो आवाज और मुझे गाना आता, आप खुद कह देंगे बस कर देंगे वो हम डिसाइड कर लेंगे ना आप शुरू, अरे नहीं सर कहानी सुनो जुबानी सुनो क्या मुझे प्यार हुआ था, जबरदस्त जज्बा तो है ना उनके अंदर, इहो जे मुंडे ने पूछा तेरी मंगनी को टूटी है तड़ी भरजाई नू गाना ही सुनाया सी उनकी बढ़िया लेकिन उनको कभी किसी ने अलीज़ा शाह नहीं कहा उनको ताहिर शाह ही कहते हैं।
वेलकम बैक जी रीच। उमर आपका बहुत यूनिक हेयर स्टाइल, आपको ज्यादातर लुक्स पे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं या हेयर स्टाइल पे? मुझे बेसिकली हेयर स्टाइल पे मिलते हैं, लुक्स पे तो वो कहते हैं एवरेज सी शक्ल है। बाल बहुत अच्छे हैं आपके जी। अच्छा, सब ही कहते हैं आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपका हेयर स्टाइल हमें बहुत पसंद है, क्या करते हैं आप? उमर ने आज शाइनिंग स्प्रे मांगी है। बस आप इसके लिए कुछ तगोदा भी करते हैं इस हेयर स्टाइल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ये मेरा बेसिकली नेचुरल हेयर स्टाइल नहीं है ये। अच्छा, ये मैं पैदा इन बालों के साथ नहीं हुआ था, तो मेरे वेवी बाल थे, कराची जाने के बाद ये कर्ली हो गए, ह्यूमिडिटी की वजह से, पानी की वजह से, क्या चक्कर हुआ। आपका ताल्लुक पंजाब सियालकोट से? सियालकोट के अंदर आपके बाल वेवी थे, कराची जाके कर्ली हो गए। आप कभी इस्लामाबाद और क्वेटा भी ट्राई करें, वहाँ कौन सा स्टाइल निकलता है? मगर ये वैसे आप इसके ऊपर मेहनत भी करते हैं। बिल्कुल, अब जो है इसके लिए मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज जो है, मेरी होम मेड मेरे टोटके हैं जो मैं लगाता हूँ और काम करता हूँ इनके ऊपर फिर। अच्छा, ओट्स होते हैं ना, ओट्स उनका जेल निकाल के मैं वो बालों में लगाता हूँ, जिसकी वजह से कर्ल जो है वो बहुत रिफाइन और बहुत हेल्दी रहते हैं। लेकिन सख्त बाल, कंघी भी लोहे की बनाई होगी तुसी? कंघी मैं रखी नहीं। की कर दे, ग्राइंडर च सिर दे देंदे। मैं अकरम उदास साहब का फैन है ना, कंघी नहीं रखी, लेकिन ये हाथों से कर लेते बस, ऐसे ऐसे हाथों से। लेकिन वासी भाई मैं थोड़ा जा परेशान हूं कि इतनी खूबसूरत लड़की ने, ठीक है यशमा जी, वो कहते कि रिश्ता ही नहीं हो रहा है मेरा, किस तरह हो सकता है? अच्छा, रिश्ता अगर आ जाए, लेकिन होते हैं ना कि आपकी आपकी भी कोई डिमांड होगी, लड़का कैसा हो तो कैसा होना चाहिए? अच्छा इंसान हो, एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन। अच्छा इंसान तो देखें यशमा बहुत रिलेटिव है कि ये अच्छा इंसान नहीं, नहीं अच्छा इंसान होना बहुत मुश्किल है, बाकी सब कुछ आजकल मिल जाता है। कैसे पता चलेगा तुम्हें? ही शुड हैव गुड एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, हिज प्रिंसिपल्स शुड बी अलाइंड, एंड कॉन्शियंस जो है वो सॉलिड होना चाहिए। यही तुसी उर्दू च दसे अंदर दो खूबियां ते मिर्च होनियां सी। और को बताइए, तो आपने बहुत जेनेरिक बताई है। इंडस्ट्री से ना हो बस। फिर किस इंडस्ट्री से? अबू कहते हैं कि डिग्री हो उसके पास। फील्ड छोड़ रहा हूं मैं आज, मेरा लास्ट एपिसोड है, तो मेरा दो पेट्रोल पंप भी है ना माशाल्लाह। ये ठीक है, आप टेंशन ना लो। और इसके अलावा कोई एक डिग्री होनी चाहिए और इस फील्ड से ना हो। एज की भी बात कर लो अगर करनी है। हाँ, आई एम 30, सो 30 अबव। 30 मेरे से 2 साल मुझसे बड़ा कहते हैं। अच्छा, 30 प्लस हो वो। कितने न्याणे आज फंस गए ऐसे। कौन बनेगा यशमापति चल रहा है यार, मुझे लग रहा है। टाइटल अच्छा है, कौन बनेगा यशमापति। अच्छा, तो ये हो गया एक, तो आपने उम्र ही बता दी, वर्क फील्ड नहीं बताई, मगर क्या इस फील्ड से ना हो सो इट कैन बी। आप लोग करें ना कोई शो ऐसा प्लान, बताइए ऑप्शन में चल रही हूं। हम अभी क्या कर रहे हैं? इतनी तगड़ो क्यों की जा रही है तुम्हारे लिए? हाँ, और लुक्स वाइज भी कोई है आपकी प्रायोरिटीज? फॉर मी इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस, किसी से बात करने के बाद मुझे वो अच्छे लगते हैं, देखते साथ ही नहीं लगते, सो आई थिंक इट्स द पर्सनालिटी। मगर दैट मैटर्स, कई बार हो सकता है कि आप जब देखें तो आपको शायद पसंद ना आए, बात करने में बहुत अच्छा लगता है। हुआ है कि देख के मैं कहती हूं यार हम, लेकिन बात करके मैं कहती हूं इट्स इट्स वेरी, हाँ फोन पे बड़ा अच्छा आवाज बहुत जबरदस्त लग रही हो, लेकिन उसके बाद आप देखे तो आपका नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सच्ची हैं, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, आप सच बोलती हैं, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे में किस चीज की कमी है, थोड़ा सा सच बता दें। आपकी शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई मेरी, सिर्फ बर्बादी हुई है इसमें। मुझे तकरीबन कितनी लड़कियों ने रिजेक्ट किया है? कुछ तकरीबन 12-13 12-13 लड़की, माशाल्लाह। तो देखिए फिर कोई वजह होगी ना, मैं कैसे इतना बड़ा रिस्क ले लूं? अभी तक तो किताब एक ही करनी है मुझे और अच्छी करनी है। कि वो अभी तक द वन नहीं मिल पा रहा, वो कुछ स्पेशल द वन होगा। स्पेशल नहीं, वो सारे मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। ट्रैवलिंग का शौक है ये, बहुत ट्रैवल करते हैं। फेवरेट डेस्टिनेशंस कौन सी हैं आपकी? आई लाइक गोइंग टू लंदन। आजकल मैं बाली प्लान कर रही हूँ, मैं गई नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है बहुत एक्सोटिक है, तो वहाँ का बाली प्लान कर रही हैं। ठीक है, मालदीव्स तो शादी के बाद ही जाएंगे। ठीक है, वो तो कोई नहीं, वो तो सस्ती टिकट है, कोई मसला नहीं। अच्छा, और आपने देखा हुआ बाली? जब देख पकानी हो तो इतनी सारी बाली लेके आते लाओ बाली है। बाली। अच्छा, क्या बाली? क्या मुझे तो बताया जरा बाली का, बताया जी इनको जरा। बाली एक बड़ी एग्जॉटिक सी जगह है जहाँ पे बड़े समुद्र हैं। बता एग्जॉटिक क्या होती है? ये और ब्लड प्रेशर को कहते हैं उसकी दवाई है ना। यही वजह है, यही वजह है। इंडोनेशिया के अंदर एक है जगह बाली, वहाँ पे जाना चाह रही हूँ। वैसे आप ऑस्ट्रेलिया, लंदन, मतलब यूके तो आप जाना चाहती होंगी, तो उधर आपको कौन सी अच्छी जगह लगती है? लंदन में तो लंदन आए ना, वो तो है ये ना। अच्छा, वो तो यही सीरियस है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक हार्ट शेप्ड आइलैंड है, हैमिल्टन आइलैंड। ठीक है, वो बहुत पसंद है मुझे। आप तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ी भी हैं जी, तो वो ऑस्ट्रेलिया रह चुकी हुई और आपको पता है ये भी बहुत ऑस्ट्रेलिया घूमे हुए हैं। बताएं कहाँ कहाँ गए थे आप ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में पत्तों की शाहकोट ऑस्ट्रेलिया ज्यादा, सिडनी, मेलबर्न और भी काफी जगह जो शोज वगैरह करते हैं। तो कौन कौन से बताए ना, सिडनी, मेलबर्न, आपकी फेवरेट आपने बताया, आपका कौन सी सिटी? हैमिल्टन आइलैंड। उधर मेनू बड़ा नहीं सी रहने देते, तो बोलते थे यमुना रहती है, मैं और यमुना फिर
यार सॉरी सॉरी यशवा सॉरी सब मैं जान के नहीं कर रहा। यशवा ज्यादातर देखा जाता है आप नेगेटिव ड्रामास करती हैं, आपको नेगेटिव ड्रामास का कोई साइड इफेक्ट रह जाता है उस कैरेक्टर से बाहर आने के बाद? यार कैरेक्टर से तो मैं बाहर आ जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है लोग जो मेरा कैरेक्टर देखते हैं वो उसके इफेक्ट से बाहर नहीं आते कमेंट्स में। व्हाई इज इट सो कि आपको हमेशा ये क्यों रोल्स ऑफर होते हैं? अभी भी आपका ड्रामा डायन चल रहा है। हाँ, डायन और उसमें आपका रोल क्या है? उसमें मैं एक पॉजिटिव सी डायन हूँ। डायन में आप डायन का रोल? डायन तो होती ही नेगेटिव है ना, उसके पास तो बेचारी के पास पॉजिटिव का, लेकिन देखो पॉजिटिव रीजंस की वजह से वो नेगेटिव हुई। तो ठीक पॉजिटिव इंसान, लेकिन नेगेटिव रीजंस की वजह से वो नेगेटिव हुई। अच्छा, यानी कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर था लेकिन स्टोरी है ना, बैक उसके आसपास जो हुई ज्यादतियां थी उसने उसको एक डायन बना दिया। एक बैक स्टोरी है, बना नहीं दिया, वो है डायन। मतलब वो मरी है और फिर मरने के बाद वो रूह घूम रही है, तो उसको डायन। यानी कि कैरेक्टर आपका मर के जिंदा हुआ है? हाँ, मैं किसी की बॉडी में आई हुई हूँ। अच्छा, मतलब मरने के बाद तो ठीक हो जाता है, मरने के बाद भी डायन ही बनी? मरने के बाद ठीक हो गया। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। एंड Where do you take your inspiration from? जब आपको इस तरह के negative character, हाँ। जब भी मैं कोई script read करती हूँ ना, character हमारा of course एक certain age से लिखा होता है और एक certain point से लिखा होता है, but I always try to create a background story myself in my head that I then also try to justify through different scenes. मैं किसी ना किसी scene में कोई ना कोई addition करवा लेती हूँ अपने director से, and I माशाल्लाह से always been blessed to have accommodating enough directors जो कि इस चीज़ पे agree कर लेते हैं कि हम थोड़ा सा कोई back story दे दें कि ये हुआ था जिसकी वजह से अब वो ये है। हर्ट ड्रिवन नेगेटिविटी होती है कहीं पे जो है वेंजेंस ड्रिवन होती है, कहीं पे जो है साइकोटिकनेस होती है हमेशा से ही पैदाइशी, तो उस वजह से होती है। तो वो मैं डिफरेंट एलिमेंट्स डालने की कोशिश करती थी। एंड द रीज़न व्हाई आई मोस्टली चूज नेगेटिव कैरेक्टर्स इज बिकॉज हमारे यहाँ आई थिंक नेगेटिव के पास मार्जिन भी ज़्यादा होता है। पास्ट में मुझे जो स्क्रिप्ट्स ऑफर हुई हैं उनमें आई थिंक कोइंसिडेंस ही था कि मैं जब पढ़ी होती थी तो मुझे लगता था कि जो ड्रामा ड्राइव कर रहा है ना कैरेक्टर वो नेगेटिव ही है, तो फिर मैं कहती थी यार जो ड्राइव कर रहा है वो करना है, यू नो। आपको वैसे कभी ये ख्याल आया कि शायद इस वजह से भी आपका वो जो दूसरा वाला मसला है वो अभी तक वहीं पड़ा हुआ है कि इतने आपने डायन डोएन वाले कैरेक्टर पॉजिटिव भी किए हैं, बट आई थिंक नेगेटिव लोगों ने ज्यादा अप्रिशिएट किए हैं या उनको ज्यादा, जैसे आपने डायन का रोल किया तो किसी मॉल में गई तो औरतों ने देखा और निकलो डायन आ गई थे बच्चे जी बारी दुकान जी। नहीं, मैंने एक दफा एक किया था जिसमें कॉज एक बड़ा ऐसा था कि किसी एक रीजन की वजह से मैं उस तरह की हुई, बट मैं मॉल में थी तो आई रिमेम्बर खताकार उस ड्रामे का नाम था, तो एक आंटी ने ना बड़े गंदे रिमार्क्स दिए कि वही है जो उस ड्रामे में उस बुड्ढे को फंसा रही है और एक गोल्ड का अच्छा वो लड़की वो कैरेक्टर है। ये देखिए, मगर चले आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि लोगों ने उसको यकीन कर रहे हैं और दूर रह रहे हैं आपसे जी। मैं आजकल एक ट्रेंड है कि एक्टर्स अपने करियर की पीक पे शादी कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आप भी करने का कोई प्लान है? वो भी रिश्ता लग रहे ने। नहीं, नहीं, रिश्ता ना लग लिया है। ओए, ओए, ओए। मैं करूंगा इंशाल्लाह, मेरा इरादा जो है वो अगले साल करने का है, तो देखें अगर तब तक पाया तकमील में पहुंच गई चीजें तो जरूर करेंगे अगले साल ही। और मुझे ऐसे लग रहा है कि 2-3 है इसलिए आप नाम नहीं ले रहे हैं, आप सेफ खेल रहे हैं, कमिटेड, हर जो देख रही है वो समझे कि हाँ मेरी बात है। ये आपको कैसे फीलिंग आई वैसे? क्योंकि 2-2 साल से टाल क्यों रहे हैं? एक भी नहीं हो रही ना, इतना प्यार नहीं, इतना प्यार हो तो फिर हो क्यों नहीं गई अभी तक? ये 2 साल 2 साल 2 साल 6 साल क्यों? सारी बातें निकलवा लेगी लड़की। मुझे जो है वो 2 साल पहले मिली है बेसिकली, इस वजह से जो है मैं वेट करवा रहा था अपने घर वालों को, लेकिन अब जब वो मिल गई है लड़की तो अब मैं उसको वेट करवा रहा हूँ कि बेसिकली दोनों ही वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि राइट टाइम। क्यों वेट क्यों करवा रहे हैं? चीज़ें कुछ सॉर्ट कर रहे हैं तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह। बताएं जितना खर्चा होगा सर मैं करूँगा, उमर भाई शादी करें। अच्छा, छोड़े अल्लाह और फिर कब कर रहे हैं ये तो प्लीज करें। अगले साल डन जी, अगले साल मेरे खिलाफ ठीक नहीं होने। तंदूर च पानी पाता किसी ने? भाई मेरे बॉस हैं, क्या हेलो क्या हुआ? ला क्या हो गया? आदम भी मौजूद 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 सुपरस्टार आपको मैं एक दावत देना चाहता हूँ। तायरतुल हेलीकॉप्टर मिन कराची इला बुर्ज अल अरब। हाँ, कह रहे हैं आपको कराची से ना जी हमारा हेलीकॉप्टर लेके। शेखों की यही बात है ना, बड़ी बड़ी इस वजह से जो है ना, नहीं 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 बुर्ज अल अरब की बिल्कुल छत पे उतारेंगे, नीचे आपने खुद ही आना है।
ايش هذا؟ لا 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 انت هيجي في دبي بعدين نسوي ان شاء الله كله بتعامل انتظام. اه كان جي پورا انتظام کریں گے. ہاں گولڈن ویزا بھی ہے بتائیں کب جا رہے ہیں. کہنا ان کو پتہ ہے گولڈن ویزا 10 سال کا ہوتا ہے. کل دبئی مجانی فی. کہہ رہا آپ کے لیے فری ہوگا دبئی کے جتنے بھی دبئی مال کل کوشی ورساچی. ورساچی وہ نہیں ورساچی. ایوہ ارمانی. ارمانی. واحد صحیح لوئی وٹون. کیڑا بتاؤں؟ بتاؤں نہیں لوئی وٹون. ایوہ ایوہ. لوئی وٹون. ارے یہ سب کو کہ گوچی ورساچی لوئی وٹون اس کا کرنا کیا ہے؟ کل فری ان تسوی شاپنگ ما فی مشکل. ساری شاپنگ ان کی فری ہے؟ ایوہ. اوکے بٹ بعد الطعام الخاص فی موجود. کھانا بھی کہہ رہے جی زبردست وہاں پہ. او بھائی مگر کیوں؟ بس ابغى واحد شيء. وہ کیا ہے واحد چیز؟ سوی واحد صورہ لی ولکم بعد سوی پوسٹ فی سوشل میڈیا. اوکے اوکے کہہ رہے آپ کے ساتھ ایک تصویر بنوا کے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرنی ہے اور اس کے اوپر لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ آئی فاؤنڈ مائی فواد خان. تیار ہے مجھے مسئلہ نہیں ہے لیکن کہا نا میں پوسٹ لانی وہ نہیں کہا تھا انہوں نے آپ نے ان کے دماغ میں آئیڈیا دیا کہندا آج تن کچھ نہیں کہنا معافی ہے اور ان طرح منہ انجے میں سیبے والا بم ہوندا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو ہم از ویل انا عارف ہوا صدیق حقی اقول کہندا میرا دوست ہے السلام علیکم کیف حال ہے حبیبی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ماشاءاللہ ٹھنڈا پانی پیتا ہوں اچھا اچھا گلا خراب ہے کہندا اج انہاں دا ٹھنڈا نہیں نہیں تاکید فی کہندا جی پھر ڈن ہے میں کھانے کا انتظام کر دوں ہاں ہاں سب کے ساتھ سب کل ان طریقہ کی کم کہندا بھی ڈیٹ بتا دے کون سی ڈیٹ کو ہم اپنا ہیلی کاپٹر بھیجیں جنوری دی 32 تاریخ نو آئے لا لا یا چودھری انت صدیق حقی والله نہیں تو واسف بھائی کو بھی دعوت دینا وہاں پہ شاپنگ کروائیں گے ان کو آج تھی 2500 دے دیاں پیسے لاؤن دی کی لوڑ سی وقت ضائع کرن دی چنگا سی اینی مینی مینی وہ کر رہی تھی حکومت نہیں بنا رہے میں کہ ہویا کی تانوں کی مسئلہ ہے اس گل نال کہندے نے سرچ کر کر کے کر کر کے کر کر کے ساڈی گوگل جڑی ہے وہ اہیں ہو گئی کہندے نے اگر تسی نہ جلدی نال حکومت بنائی تے پھر جدوں بھی کوئی بندہ گوگل تے سرچ کرے گا نا اگوں اسی اہیں کر کے ہاتھ بڑھا دے او ماشاءاللہ دسی ائی نہیں کیا مطلب یار تسی وردی ویکھ کے گھبرانا نہیں میں نہیں تانوں گرفتار کر سر جی میں فالو کرنا انہاں نو سر جی اوئے ہوئے ہوئے سوشل میڈیا دے اتے جو ولاگ انہاں دے ہوندے نے نا او مائی گاڈ ایمان نہ میں تے ہر ویلے انہاں نوں فالو کردا رہنا لیکن میں انہاں نوں گرفتار نہیں کرنا میری پوری فیملی انہاں دی فین ہے ارے گرفتار شہباز گل سر دی شہباز گل نہیں ہے یار میری انہاں نال تصویراں ہے گیاں نے بڑیاں غور سے دیکھو او نہیں نہیں اپنا یش مانگل یس یش مانگل ماشاءاللہ بھی آج تے دو میں میاں بیوی کٹھے آئے ہیں بیوی اپنا انہاں دے ہسبنڈ نہیں نہیں ان کے ہسبنڈ نہیں ہے کوئی میں سوچ رہا بھی اس طرح دا بندہ انہاں دا ہسبنڈ ہوئی نہیں کیا مطلب ماشاءاللہ بڑے سمارٹ ہے کہ نہیں میں ویکھیا ہے کدھر اچھا او نو ماشاءاللہ گلوکوز ہے کہ نہیں سوری گلوکار ہے کون گلوکار اب بھائی جان ہو رہی فواد عالم صاحب فواد عالم نہیں ہے یہ نہیں فخر عالم صاحب فخر عالم بھی نہیں ہے عمر عالم ہاں عمر عالم یس
फाइनली पहुंच गए, पहुंच गए। चलावा है, चलावा चलावा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं ना जी फिल्म देखी सी, मैं बड़ा फैन है उमर हयात साहिबा का। हयात साहिबा नहीं, अपना हीरोइन नहीं उस वेज जड़ी है, मैं भी हयात, हां मैं भी हयात साहिबा। अगे भी इंज तू तीन बंदे दी आंख कड्डी बाबर आजम को मार खा ली। क्यों? जीरो ते आउट होके परेशान होके जा रहे, कह रहा मेरे बेटे की सालगिरह दी वीडियो बना दे। मैं फैन है उन्होंने, उत्ते कदी कदी ये सरंदा, लेकिन जिस दिन खलो जावे क्रीज दे उत्ते, एडी सोहनी क्रीज बनांदा जदों इस्त्री करदा ना पैंट दी, फिर जी एक फोटो हो जावे। मेरे बच्चे भी तुहाडे फैन हैगे ने, माशाल्लाह। काम की करदे हो? मैं जी गुलकारी। बड़े अच्छे सिंगर हैगे हो। मैम कहना ही आवे वन सेल्फिश भी थी। सेल्फिश नहीं होता, सेल्फी। आई एम सॉरी अबाउट इट। ओह माय गॉड यार, मैडम माशाल्लाह स्क्रीन दे उत्ते ते है ही प्यारे ने, वैसे ही बड़े प्यारे है। अच्छा की नाम है मैडम दा? यशमा गिल। हां यशमा गिल। लेकिन मेरे दिमाग है ना, वो पता नहीं क्यों शबाज गिल साहब रह जाते हैं। क्योंकि आजकल हालात तो वाक है ऐसे ने, मैडम तुसी कॉफी तो बगैर नहीं जा। अरे यार मैडम नु कॉफी बड़ी पसंद है। अच्छा जी, देखना आज मेनू पियाओगे? Welcome back. जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। My name is शामीर और मैं गुजरात से हूँ, और मैं सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शामीर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। आपकी जैकेट बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने फैन किया और जैकेट मंगल लगे। यार वैसे ही उसकी जैकेट इतनी अच्छी है, तो भैया किसी की तारीफ भी कर लिया करो। खैर नहीं, मगर माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त लग रहे हैं आप। अच्छा तो सर मैं आज सॉन्ग सुनाना चाहूंगा। किसका? बिलाल सईद का एक सॉन्ग है, बारी सॉन्ग, वो गाना चाहूंगा। जी भाई सुनाइए। बड़ा जबरदस्त आपने गाया माशाल्लाह, जबरदस्त। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहरिशा और मैं लाहौर से हूँ। मेरा क्वेश्चन सर उमर से है, फिल्म इंडस्ट्री में आपको हीरो का कैरेक्टर पसंद है या विलन का? मुझे हीरो का कैरेक्टर पसंद है जी, मुझे हीरो बनना है। अरे स्क्रीन पे बनना ना, वैसे तो हूँ। वैसे आप तमाशा में थे जी सर, कभी आपका हुआ है मौका इस तरह का, या कोई आपको ऑफर आई हो तमाशा घर में जाने की? जो उनका फर्स्ट सीजन था उसमें आई थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं इस तरह से इतने दिन एक जगह बगैर फोन बगैर फोन के मसला, यानी कि फोन का और किसी चीज का नहीं है। बड़ी इमरजेंसियां होती है घर वालों का, दोस्तों का, और वैसे भी काम वाम भी था तो। नहीं नहीं, मगर वो भी काम ही था, मगर जो बेसिक बात आपने की विच इज वेरी राइट, फोन के बगैर नहीं रह सकते, फोन के बगैर नहीं रह सकते, इतनी एडिक्शन। It is an addiction. No, but आप तो खुद साइकोलॉजी पढ़ के आई हुई हैं, तो यशमा कभी होता है कि अभी तक मुझे लगता नहीं है कि मेरे लिए कोई नुकसानदेह चीज है फोन, जब होगा तो फिर रख दूंगी साइड पे। अभी तक कुछ नुकसान नहीं, फायदे किए। क्या इतना जरूरी है? काम कर करके उस पे मैं अपलोड करती हूँ, उससे पैसे आते हैं, अच्छी तस्वीरें खींचती हूँ, लोगों से कनेक्टेड रहती हूँ, अम्मी से बात करती हूँ, दोस्तों से बात करती हूँ। अम्मी से बात तो वैसे फेस टू फेस भी हो सकती है? अम्मी लाहौर में होती है ना, मैं कराची में। हां तो हमेशा तो नहीं थी आप कराची के अंदर, मतलब आप आ भी सकती है, मगर ये जो फोन के ऊपर आप पॉजिटिव साइड ढूंढ रही है ना फोन की, एडिक्शन की, अम्मी से बात होती है इस पे, ये देखिए ना दुनिया को कनेक्टेड रखा हुआ है यार फोन ने। यूजेज और एडिक्शन में फर्क होता है, आप यूजेज कर सकती हैं। हाँ। मगर जो एडिक्शन वाला मामला है ये अगर रीजन है कि आप नहीं, बट आई हैव स्टेड विदाउट माय फोन, तो मतलब एडिक्शन होती तो पता चल जाता ना, वो नहीं था कि एडिक्शन उस तरह से, बट सिर्फ फोन रीजन नहीं था वो, तो मैंने ऐसी एक बात बोल दी यार, आपने पकड़ ली। लेकिन सही बात नहीं बता रही आप, बहुत सारे फैक्टर्स थे, ड्रामा भी था दूसरा,
अच्छा फोन से रिलेटेड फैक्टर ये था कि अगर तमाशा हाउस में जितने दिन होती है उस दिन में मुझे कोई ऐसे काम की ऑफर आनी होती है जिससे बड़े मिल रहा होता कुछ पैसे, तो फिर मुझे कैसे पता चलता, तो यू नो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिस कर सकती। ये बात थी अगर तमाशा के अंदर भी वैसे आप अगर जीत जाए तो फिर बहुत पैसे आपको मिलते हैं। अगर जीत जाए तो रिस्क है ना, रिस्क एनालिसिस करना होता है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। ओए होए 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 नहीं, मगर कोई आपको वैसे हो रहा है कोई विड्रॉल सिम्टम हो रहा हो, कोई फील हो रहा हो, कोई खातों में खुजली कुछ इस तरह करके, क्या कोई पता पीछे से फोन आ गया कोई आए जश्मा 10 करोड़ की दिहाड़ी थी ये क्या हुआ, आप फोन में नहीं थी, 1 घंटे में मैनेज हो सकता है ना, नहीं थी इसलिए हमने फ्रांस से करा लिया, 1 घंटे का तो मैनेज हो सकता है, ये कम रिस्क है 25। और अगर उसके बाद आप जाए वापस और आपको पता चले आपका फोन चोरी हो गया, कहीं कुछ हो गया, गुम गया, और नया फोन तो आ जाएगा फिर किसी और के फोन से फॉरन से इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी स्टेटस के गुम गया इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, जब तक वो नहीं मिलेगा कर लूंगी। सारे उन्होंने बैकअप प्लान सोचे हुए हैं हर सिनेरियो के। जी जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है, मेरा सवाल मैम से है कि अगर आपने अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? यार आई थिंक रेजिलिएंट। ओए होए होए रेजिलिएंट वो है वो वर्ड, अल्लाह किसी को रेजिलिएंट ना करे। वैसे मतलब वो सख्त बीमारी है। नहीं नहीं मुझे नहीं जरूरत मजीद होने की, मुझे ऐसे कोई जिंदगी में चीजें नहीं चाहिए जो मुझे रेजिलिएंट करे। जो भी है मुझे रेजिलिएंटिंग कर दे। आपने ना वाकई बीमारी लगवा लेनी है। जी हाँ जी जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमून मुमताज एंड आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर एंड शो होस्ट। और सर उमर आलम साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि सर जी अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में इस कदर नेपोटिज्म है, किसी चैनल की बिल्डिंग के अंदर इंटर होने के लिए भी आपको रेफरेंस चाहिए होता है, ऐसे में न्यू एक्टर्स और यंगस्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ से वहाँ आना चाहते हैं? चलना शुरू करें। खैर नहीं, मतलब मेरा भी कोई जानने वाला नहीं था ऐसे ही, बस वही है कि आपको लगातार लगे रहना पड़ता है फिर ही जाके आपके कनेक्शन भी बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नहीं ताल्लुकात थे लेकिन आज माशाल्लाह वो क्या बड़े नाम पे, हिम्मत हार जाओगे तो फिर मेरे ख्याल से वो नहीं बनता। मेन जो चीज़ है ना वो एक शिकायत, वो निकाल दो ज़िंदगी से तो फिर आराम से आपकी सारी चीज़ें बनती जाएंगी, आगे निकलते जाओगे निकलते जाओ। शिकायत आपको वापस लेके जाती है, यार हो नहीं रहा कुछ भी, देखो कब से लगाऊँ हो नहीं रहा यार हो नहीं रहा, तो आपका फिर वो फिर वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मुश्किल हो जाता है। और अल्लाह कामयाब करें आपको सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम नदीम अब्बास है, मैं हफ्जाबाद से आया हूँ। सर मैं एक तो एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, उसके अलावा जो ड्रामे के ओएसटी हैं वो मतलब के गा सकता हूँ। ये आपने बात कैसे अखज की कि आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं? ये सर मैं क्योंकि जो चीज देखता हूँ ना मैं हाँ। फौरन वो कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कोई भी ड्रामा उसकी ओएसटी है ना वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। वो तो सिंगिंग हो गई, एक्टिंग और चीज है। एक लफ्ज में बोलता हूँ आप बोले। जी जी मेरा नाम क्रांतिकारी श्री जगन्नाथ प्रसाद चोपड़ा है। सर जी मैं आपको मतलब थोड़ा सा गाना सुना देता हूँ। ये जो इन्होंने इग्नोर किया है ना आपको, ऐसे में बहुत सारे लोगों को इग्नोर करना चाहते हैं। जी भाई। सर मैं आपको थोड़ा सा गाना सुना देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मैं मतलब कि गाना कितना। गाना तो नहीं, मुझे पहले एक्टिंग देखनी है। अच्छा कि आपको किसकी एक्टिंग पसंद है ये बताएं। सर नुमान याज साहब है। नुमान याज साहब की एक्टिंग करें जरा। सर उनकी तो नहीं, कोई और थोड़ी सी कर देता हूँ बस। अच्छा ये अब एक मिनट मुझे चले आप बताए आपकी लिस्ट है कौन से एक्टर की? सर मैं इमोशनल एक्टिंग कर सकता हूँ। किसकी? या वैसे जनरली कर सकते हैं? जनरली चले जी। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन सर मैं भी थोड़ा सा गाना गा देता हूँ। मेरे पास तुम हो ड्रामा था उसकी ओएसटी सुनाइए आप। ले जी मेरे पास तुम हो ओएसटी। इस वास्ते बाद दानिश दा मरना ही बनता है। आगे मेन पार्ट आने लगा है, चुप करो। अच्छा आप बताइए आप कंटिन्यू करें। अल्लाह राम दे।
जबरदस्त। और भाई कोई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं इस भाई के साथ ही आया हूँ हफ्जाबाद से। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, माशाल्लाह आपका काम बहुत पसंद है और आपके जो ये फनकार है कैसर पिया साहब, और स्पेशली मैं इफ्तिखार ठाकर साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि इनकी ये इस फिटनेस का क्या राज है? आपकी इस फिटनेस का क्या राज है ठाकुर साहब? अपने पल्ले नहीं खाना। सर मैं डीप स्विमर हूँ सर। बचपन से स्विमिंग करता हूँ। बचपन से स्विमिंग का शौक रखते हैं। जहाँ पानी नजर आता है ठाकुर साहब की छलांग होती है और पानी होता है। गिलास भी बढ़ जाना। ये है सर राज की फिटनेस का। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान है। मेरा सवाल मैम आपसे है कि आपका पहला प्रोजेक्ट कैसा रहा और आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे याद है कि मैं बहुत घबराई सी हुई थी और डरी सी हुई थी, एंड मेरा रुबीना अशरफ के साथ पहला सीन था और वो बड़ी सीनियर हैं और काफ़ी मुझे ना लोगों ने बोला हुआ था कि वो थोड़ी गुस्से की तेज़ हैं और इस तरह, तो मैं बहुत डरी हुई थी। बट शी वॉज फैंटेस्टिक, शी वॉज रियली सपोर्टिव। आई रिमेंबर मैं उनसे पूछ रही थी, एडी ने आके मुझे बोला कि वन टेक सीन है, तो मुझे उस समय ये नहीं पता था कि वन टेक क्या होता है, तो मुझे लगा वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही चांस है, एक ही दफा टेक होगा। और मैंने यूं खड़ी, मैंने कहा अच्छा रुबीना जी के साथ और बोल के गया एक ही है, तो मैं इतनी लंबी लंबी ना लाइन अपनी याद कर रही थी। बट देन उन्होंने मुझे बताया कि नहीं बेटा, वन टेक का मतलब ये होता है कि कट नहीं होगा, तो तुम रिलैक्स करो, दोबारा करना होगा तो भले कर लेना। सो या दैट वाज व्हाट इट वाज। बहुत थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो यशमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन।